भारतीय जनता पार्टी का बुधवार दोपहर से होने वाला प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसके लिए रायपुर में अलग अलग जिलों और इलाकों से कार्यकर्ता जुटने लगे हैं। वहीं नगर निगम मुख्यालय के सामने मंच बनाया गया है, जहां पर रैली निकालकर और हाथों में पार्टी का झंडा लिए कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के खिलाफ भाजपा बड़ा सियासी प्रदर्शन करने जा रही है। हल्ला बोल नाम का ये कार्यक्रम बेरोजगारी के मुद्दे पर है। प्रदर्शन में शामिल होने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रायपुर पहुंच गए हैं। वहीं एयरपोर्ट पर युवा कार्यकर्ताओं ने उन्हें धान की बालियाँ भेंट की। इस दौरान सांसद सुनील सोनी और प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हर विभाग में माफिया राज है, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं, वहीं युवाओं को बेरोजगार का संकट सता रहा है और इस वजह से भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं के अधिकार की आवाज़ बुलंद करने आज सड़कों पर उतरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।